सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम पोको C3 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और ये डिवाइस हमने फ्लिपकार्ट पे जो भी सेल चल रही है उसमें 6,750 रुपये का खरीदा है, तो प्राइस डिटेल आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सो ऑलराइट गाइस, ये पोको C3 आता है हमारा इस ब्यूटीफुल येलो कलर के बॉक्स में। यहाँ पे आपको सामने सिर्फ C3 लिखा देखने को मिल जाएगा, ऊपर पोको की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में देखें तो इंडियाज़ नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ है, और वहीं अगर राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया लिखा देखने को मिल जाता है, तो मतलब ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ पोको C3 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, वहीं अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे भी सिर्फ आपको स्मार्टफोन का नाम ही दिया हुआ है। अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, ये स्टिकर जो है हमारा फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया तो उनका स्टिकर है। बाकी अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से तो प्राइस लिखा हुआ है, जो कि प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे 9,999 रुपये, लेकिन ये फ़ोन हमें 6,750 रुपये का पड़ गया है। इसकी डिटेल हम थोड़ी बाद में बात करेंगे कि हमें इतना सस्ता कैसे पड़ गया है। वहीं अगर नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ आपको इसके प्रोसेसर की डिटेल देखने को मिल जाती है, इसमें हमें मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं इसमें 13 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है, 6.53 इंच HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें 5000 mAh की बैटरी भी दी हुई है जिसको आप 10W के फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, और हमारा चार्जर भी बॉक्स में दिया हुआ है। यहीं आपको नीचे कुछ और टेक्निकल डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जैसे इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, इसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल, एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस दिया हुआ है, वहीं इसमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर रैम वेरिएंट की बात करें तो हमारे पास जो है 3GB 32GB हमने मंगाया है, और इसका कलर मैट ब्लैक है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट। तो जैसे आप देख सकते हैं ऊपर ही हमें ये डिवाइस देखने को मिल जाता है, इसको भी साइड में रखते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या आता है। तो बॉक्स में हमें एक कार्डबोर्ड टाइप बॉक्स मिल जाता है, इसमें हमें सिर्फ एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है, इसको भी साइड में रख देते हैं। वहीं नीचे की तरफ और देखें तो इसमें आपको एक ये माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कम से कम USB टाइप सी देखने को मिलना चाहिए, लेकिन इसमें हमें माइक्रो USB मिलता है, इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड 10W फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग भी, ये 10W का चार्जर है, बाकी और बॉक्स में कुछ नहीं है। तो चलिए सब चीज़ों का साइड में रखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसी में आपको सिम इजेक्टर पिन भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए सब चीज़ को साइड में रखते हैं और स्मार्टफोन को देख लेते हैं। अगर स्मार्टफोन के ओवरव्यू की बात करें तो पीछे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, इसी के साइड में हमें LED फ्लैश दी हुई है, नीचे आपको पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा डुअल फिनिशिंग के साथ आता है। ऊपर आप देख सकते हैं हमारी एक मैट टाइप की फिनिशिंग है, और नीचे हमें कार्बन फिनिशिंग टाइप की एक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। वहीं अगर राइट साइड में देखो तो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिल जाते हैं, इसी के नीचे हमारा पावर ऑन एंड ऑफ बटन भी दिया हुआ है, और लेफ़्ट साइड बिल्कुल खाली है, यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। चलिए इसको निकाल लेते हैं और देख लेते हैं किस सेटअप के साथ आती है हमारा स्मार्टफोन। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें आप डुअल माइक्रो सिम और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, और ये हमारा माइक्रोफोन दिया हुआ है। वहीं ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ आपको इसमें 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस स्मार्टफोन को बूट करते हैं और देख लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस को। जैसे आप देख सकते हैं पोको का लोगो आ गया है, नीचे पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो जब तक मैं इसको सेटअप करता हूँ आप डिस्प्ले पर इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस सेटअप हो गया है। वहीं अगर इसके UI की बात करें तो ये हमारा स्टॉक एंड्रॉयड की जैसा ही UI देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास जो मॉडल है वो 32GB वाला वर्जन है,
और अगर इसके स्टोरेज की बात करें थे कि हमें 32 GB में से कितना स्टोरेज खाली मिलता है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसमें 32 GB में से 10 GB ऑक्यूपाइड है, तो हमें ऑलमोस्ट 21 to 22 GB हमें इसमें स्टोरेज खाली मिलता है। वहीं अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। वहीं इसमें आपको सिक्योरिटी पैच लेवल भी अगस्त का देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी हुई है और इसकी डिस्प्ले HD+ ही है, तो इसकी बैटरी आसानी से आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ आसानी से दे देगी। तो चलिए इसके कैमरे को देख लेते हैं। मैं अभी कुछ क्विक सैंपल्स लेता हूँ और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कैमरा सैंपल्स, यहाँ पर आपको ऐसी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। डे लाइट में कैमरा काफ़ी अच्छा काम करता है, वहीं अगर लो लाइट की बात करें तो कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सेल्फ़ी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 5 MP का सेल्फ़ी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसकी डे लाइट में क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो गाइज ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग। अगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, बाकी इस रेंज में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल ही जाता है। और दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट ही देखने को मिल जाता है, बाकी अगर दूसरे स्मार्टफोन की तरफ देखें तो वहाँ पर आपको USB टाइप सी के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, आपको डिवाइस खरीदना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको जो अभी ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस करे हैं उनसे कोई फ़र्क पड़ता है, अगर आपको अपने डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर भी चाहिए और साथ ही साथ आपको USB टाइप सी पोर्ट भी चाहिए, तो आप इस डिवाइस को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। हमें ये डिवाइस 6,750 रुपये का कैसे पड़ गया? तो जैसे अभी आपको पता है कि सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे, तो इसका प्राइस 7,500 रुपये के आसपास था और हमने एक फ्रेंड से SBI का कार्ड भी ले लिया, तो उसको लगा के हमें 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल गया, जिससे इसकी प्राइस 6,750 रुपये हो गई है। तो अगर आपको ये डिवाइस खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।